इसलिए अपने दरबार में बैठे थे। कहीं कोई गाय है कि भगवान और पति, वो तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपका भाव अच्छा नहीं तो इंसान भी घर पर ही रहता है, जानवर भी नहीं रह पाता। तो भावना में भाव होना चाहिए। चार घर घर का माई कौन माई बनी, एक ऐसी है माँ, एक वैसी है माँ, निरंतर बड़ा निज निरंतर बड़ा, एक ऐसी कैसी है माई जो बच्चों को खा जाती है। आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों को एक कहानी समझ नहीं आएगा। आगे क्या आ गया, तेरी जन्म पालती बदनी, अपने घरों में भागती बदनी, अपने घरों में भागती बदनी, बच्चों को पाने का कुछ गम नहीं, हैरानों के भी कोई गम नहीं, हैरानों के भी कोई गम नहीं, मेरे कैसी माँ है कोई हमको बताए, मेरे कैसी माँ है कोई हमको बताए, जो जो अपने बच्चों को खा जाते हैं, कौन सी माँ है जो अपने बच्चों को खा जाते हैं, कोई बताए, आप लोग बताइए, कौन सी माँ अपने बच्चों को खा जाते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, ये कैसी माँ है कोई हमको बताए, जो पूनम कहलाती
नाभी अंडे देती है, लेकिन अंडे अपने खा जाते हैं, अपने अंडे को नाभी खाते हैं, अपने अंडे को खा जाते हैं। तब जो भी छोटा छोटा बच्चा है वही बचता है, नहीं तो अपने अंडे को खुद खा जाते हैं। और दूसरी बात, जो जानते हैं हाथ खड़ा करने के लिए कौन सी माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चों को दूसरे को सौंप देती है। आइए आइए सुनाते हैं। घोषणा नहीं बनाता है, आप लोग जानते हैं। ओ माँ को जल कहे बिनती, ओ माँ को जल कहे नाती, कोई भी हाथ खड़ा करे, कौन सी माँ है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता। हालांकि जो इतिहास में लिखा गया है वही है, लेकिन सब लोग नहीं होते हैं, कृपया आप लोग बुरा मत मानिएगा। जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन सब नहीं होता है। ये कैसी माँ है कोई हमको बताए, जो बच्चों में सितम खाती है, ओ माँ सोते लिखे Thank you.
माँ है जो अपने बच्चों को प्यार करती है, जान छिड़कती है, वो है अपनी माँ। कोई ऐसी माँ नहीं हो जो अपने बच्चों को प्यार न दे, चाहे ठंडा हो, चाहे बदमाश हो, चाहे डियर हो, करेक्टर हो, लेकिन माँ कभी बच्चों को अलग नहीं करती है, माँ माँ होती है। ये कैसी माँ है कोई हमको बताए, जो बच्चों में जान देती है। उनको क्या कहा जाता है? ओ माँ जग जननी कहलाती, ओ माँ जग जननी कहलाती।